Hey everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, today we are here to learn class 9th chemistry chapter 1 matter in our surroundings, states of matter. We are on the topic states of matter. अब matter की states भी होती है, अब वो क्या होती है, अब चलो इन्हें learn करते हैं. Observe different types of matter around you. आप अपने आसपास देखो different types of matter है. कुछ भी बुक ले लो वो भी एक मैटर है. जो भी चीज़ स्पेस ले रही है ना, कुछ मास है और वॉल्यूम है तो वो मैटर ही है. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स. अब इसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या है. अब बुक ये स्पेस ले रही है, ये सॉलिड स्टेट कह दो. वाटर लिक्विड वाटर. अब ये जो वाटर है, ये जो ग्लास के अंदर जिसने वाटर ने स्पेस ले रखी है ग्लास के अंदर, वो क्या है, वो भी मैटर है. गैस सिलेंडर के अंदर गैस है, वो भी मैटर है, उसने भी तो स्पेस ले रखी है ना. सॉलिड लिक्विड एंड गैस. हम मैटर को इन थ्री स्टेट्स में अपने आसपास देख सकते हैं. दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दी स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. ये जो तीन स्टेट्स हैं ये क्यों है. अब मैटर के जो बीच में पार्टिकल्स हैं, अब कहीं पे वाटर स्पेस होती है, कहीं पे नहीं होती, कोई सॉलिड मटेरियल है, तो ये जो है इसलिए इसको तीन टाइप्स में बांटा गया है. दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. सी देयर इज एन एक्टिविटी गिवन 1.3.1 द सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी है 1.9. वो क्या कह रही है एक्टिविटी, कि आप कुछ फॉलोइंग आर्टिकल्स कलेक्ट करो लाइक अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. फिर ये मतलब सॉलिड मटेरियल है, ये सब कुछ कहने का मतलब है ये सब कुछ सॉलिड मटेरियल है. ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो अपने होम पर. पेन लो, बुक लो, नीडल लो, कुछ भी ले लो, मींस कुछ सॉलिड सामान लेना है. फिर इन सबको ना, इन सबको नोटबुक पे रखकर इनकी स्केच बनाओ इनकी साइड की बाउंड्री से, तो इन सबकी क्या शेप सेम आएगी आप बताओ. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्री सेम आएगी, वॉल्यूम सेम आएगी, मींस क्या ये सेम स्पेस लेगा हर ऑब्जेक्ट. या फिर अगर मैं इसको हैमर मारूं, इसको मतलब हैमर मारूं, इसको पुश करूं, लाइक अब ये पेन है, ठीक है, अब एक ये पेन है और एक ये स्केच है. अब दोनों की शेप में कितना फ़र्क है आप देख सकते हो, दोनों की शेप अलग है. तो अब मैं इसको अगर पुश करूं कि इस वाली को कि पुश करूं कि ये क्या पता इसकी शेप की हो जाए, तो क्या ये हो जाएगी. मैं इसको हैमर करूं, इसको ऐसे 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 मारूं, तो क्या ये इसकी शेप की हो जाएगी. मैं इसको ऐसे पुश करती रहूँ, इसको पतला हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. ये हैमर करूँ, उसको खींचूँ या फिर उसको ऐसे तोड़ूँ, नीचे फेंकूँ बार बार कि ये फिर टूट जाए, पतली हो जाए, नहीं होएगी ना. तो क्या ये एक दूसरे की शेप ले सकते हैं. आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, एक दूसरे की शेप में आ सकते हैं. करो आप इसको ट्राई कर लो अपना फोर्स अप्लाई करके, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं. ये सब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए है ना, ये सब सॉलिड्स के एग्जाम्पल है. हम ऑब्जर्व करते हैं कि दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप. इन सब की डेफिनेट शेप है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. अब इसकी ये जो बाउंड्रीज हैं ये इसकी ही रहेंगी. अब मैं ये नहीं चाहूँगी कि अगर देखो इसकी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर से चौड़ी है, नीचे से आते आते पतली हो गई, ऊपर से मोटी मोटी है, तो इसकी भी बाउंड्रीज वैसी हो जाएँ या फिर इसकी बाउंड्रीज इसके जैसी हो जाएँ. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर मैं चाहूँ तो. मेरी मर्जी से तो कुछ नहीं होगा. इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है. अब ये इतनी सारी स्पेस ले रहा है, ठीक है, अब ये इतनी सी स्पेस ले रही है, देखो फ़र्क है, ये इतनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है और इतनी सी स्पेस में ही आ गई. अब इनकी अपनी अपनी वॉल्यूम है, कांट चेंज इट ना. सो दैट कैन आई से दैट दीज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. अब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मीन्स वो कंप्रेसिबिलिटी ये जो होती है सॉलिड्स की, कि इतने कम है कि हम इसको कह सकते हैं कभी हो ही नहीं सकता, या एज्यूम कर लो कि सॉलिड्स को कभी कंप्रेस करा ही नहीं जा सकता. मतलब कंप्रेसिबिलिटी करना सॉलिड्स को इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दो. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है इसकी. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. मीन्स कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना सॉलिड के, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं. इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रांग है ना, इनकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स है ना एक दूसरे के इतने पास है. दस वी कैन से कि ये जो सॉलिड है ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है विच इज टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. कि जब इस पर हम कितनी फोर्स लगा लें तो इसमें ये टेंडेंसी है कि अपनी शेप को मेंटेन रखेगा. मीन्स उसमें ये इसके मॉलिक्यूल्स इतना आपस में चिपके हुए हैं ना कि वो एक दूसरे से हिलते तक नहीं है, तो उनमें ये पावर है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखें चाहे उसमें कितनी फोर्स क्यों ना अप्लाई कर लें.
अच्छा, सॉलिड्स जो हैं अपनी फोर्स को मतलब ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स वो टूट सकते हैं। अब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट तो जाएगी, लेकिन वो अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। सो दे आर रिजिड, इसलिए वो बहुत रिजिड है, मीन्स बहुत हार्ड है। लेट्स कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? अब एक रबर बैंड है तो क्या वो अपनी शेप चेंज कर लेता है स्ट्रेच करने पे? बताओ आप मुझे, शेप तो चेंज नहीं करता ना वो, उसकी स्ट्रेचिंग कर लो, कर लेता है। लाइक लेट मी शो यू, दिस इज़ अ रबर बैंड, तो मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, इसकी शेप बदल गई, अब मैंने इसको छोड़ दिया तो वापस अपनी एक्चुअल शेप में आ गया, ओरिजिनल शेप में। फिर स्ट्रेच करी, फिर शेप हो गई, ऐसी स्ट्रेच करा ऐसी शेप हो गई, ऐसे की ऐसी शेप हो गई, शेप तो बदलती जा रही है, लेकिन फिर छोड़ दिया तो अपनी एक्चुअल शेप में आ गया। ये नहीं कि जिस शेप में मैं करूँ उसी शेप का हो जाएगा, नहीं हुआ ना। तो मीन्स क्या ये एक सॉलिड है? अभी पढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब एक रबर बैंड जो है ये शेप कैसे चेंज करता है? फोर्स पे, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं इसलिए इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन ये फिर से वही शेप ले लेता है जब फोर्स वापस इससे हट जाती है। एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊँ इसको, मतलब कि इसकी शेप वही हो जाए, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचती रहूँ खींचती रहूँ, तो इसके ये जो बीच का है यहाँ से, मीन्स ये यहाँ सेंटर से निकल जाएगा या फिर इसका ये ब्रेक हो जाएगा, राइट ना? तो दैट मीन्स कि ये सॉलिड है क्योंकि इसकी अपनी शेप है, इसको कितना इतना कुछ कर लो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। फोर्स अप्लाई कर रहे हो, शेप चेंज हो रही है, लेकिन वापस अपनी एक्चुअल शेप में भी तो आ रहा है ना। लाइक शुगर और सॉल्ट लेते हैं, जब इनको डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो ये जार की शेप ले लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड है? कोई भी डिफरेंट जार है, किसी भी आप जार में रखोगे तो ये उसकी शेप में आ जाएगा, ये नहीं अपनी शेप बनाएगा, अगर ये ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, किसी भी जार में रखोगे उसकी शेप में आ जाएगा। तो दैट मीन्स द शेप ऑफ, क्या ये सॉलिड है? तो मीन्स इनकी जो शेप है ना, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, इनकी शेप फिक्स्ड रहती है। वेदर वी टेक इट आउट इन अ हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, चाहे हम इसको अपने हैंड में रखें या फिर प्लेट में रखें या फिर जार में रखें, इनकी एक एक शुगर की, मीन्स एक चीनी के एक एक दाने की शेप, एक एक क्रिस्टल की शेप, सॉल्ट क्रिस्टल की भी एक एक की शेप फिक्स्ड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वॉट अबाउट अ स्पॉन्जी, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? स्पॉन्जी क्या होती है जिसको हम कंप्रेस करते हैं? लाइक स्पॉन्ज लाइक होती है, लाइक ब्राउन कलर की होती है टाइप, येलो भी कह सकते हैं उसको, जब हम प्रेस करते हैं कंप्रेस तो वो ऐसे दब जाती है, फिर वापस आ जाती है फोर्स हटाने से। तो इसमें ना बहुत सारे होल्स होते हैं, तभी तो ये इन विच इसमें ना एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब इसमें एयर ट्रैप हो जाती है ना और हम इसको प्रेस करते हैं तो ये एयर बाहर निकल आती है, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ सॉलिड, येस इट इज़ अ सॉलिड, क्योंकि वो उसी शेप में तो नहीं हो रही है ना जिस शेप में मैं इसको डालना चाह रही हूँ, अभी तो उस शेप में वापस आ जाती है जिसमें मैं इसको चाहती हूँ, मतलब जिस शेप की ये थी स्पॉन्जी, वो तो उसको कंप्रेस करो तो वो शेप की हो जाती है। क्यों हो जाती है, हम यही तो पूछ रहे हैं ना कि वो ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके जो मैंने आपको बताया, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और फिर जब मैं उसको जब मैं उसको कंप्रेस करती हूँ तो वो एयर बाहर निकल जाती है, और फिर उसको ऊपर आती है तो वो एयर उसमें वापस आ जाती है। सो दिस वॉज द स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट पॉइंट द सॉलिड स्टेट। तो आई होप कि आपको ये सॉलिड स्टेट ईजिली समझ में आ गई हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।